नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और आज मैं बात करूंगी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या अगर आपका भी कोई सेविंग्स अकाउंट है, तो वो कितना सुरक्षित है? सबसे पहले समझते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। जैसे कि नाम ही बताता है, स्मॉल फाइनेंस, तो एक ऐसा बैंक जो कि छोटे छोटे फाइनेंसेस में डील करता है। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे प्राइवेट बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं, इतने सारे बैंक्स हैं, तो क्या जरूरत थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी बनाया गया? हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं और उनके कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली अपना जैसे ठेला लगाते हैं या फिर डेली लेबर का काम करते हैं और डेली की कुछ कमाई करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कि हम मैं बोल सकती हूँ अनसर्व्ड कैटेगरी ऑफ पीपल, तो ऐसे लोगों को सर्व करने के लिए, साथ में अंडर सर्व्ड, तो कुछ ऐसे लोग जिनको कि कमर्शियल बैंक्स प्रॉपरली सर्व नहीं कर पाते, उन तक अपनी बैंकिंग सर्विसेज अच्छे से नहीं दे पाते। ये दो कैटेगरीज, अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड कैटेगरीज के लोगों को सर्व करने के लिए, इन तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने के मकसद से आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को स्टार्ट किया या सेटअप किया। इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेस जो कि बहुत ही छोटे हैं, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम या उनको बैंकिंग सर्विसेज देने का काम भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। तो ये जो बिजनेस हैं, जो कि जैसे कि मीडियम स्केल के बिजनेस हैं या स्मॉल स्केल के बिजनेस हैं, अनसर्व्ड कैटेगरी के जो सोसाइटी के पीपल हैं, लोग हैं, या फिर अंडर सर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, तो ये सब जो मेजर बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनसे भी सर्विसेज ले सकते हैं, वहां पे भी अपने डिपॉजिट्स रख सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आरबीआई के भी इंस्ट्रक्शंस हैं इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कि ये जो टोटल लोन लोगों को देते हैं, उस टोटल लोन का 75% लोन ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो कि अनसर्व्ड हैं या फिर अंडर सर्व्ड हैं, या मैं कहूँ कि ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि बहुत छोटे छोटे लेवल पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या उनका जो बिजनेस स्केल है वो बहुत ही छोटा है। अभी इंडिया में 10 ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको सेविंग्स अकाउंट पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप अपनी एफडी खुलवाते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि जो ये बैंक्स हैं, ये छोटे बैंक्स होते हैं, तो इनको डिपॉजिट्स की बहुत जरूरत होती है, मतलब पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो वो पैसे एक नॉर्मल पब्लिक से उठाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव रखे जाते हैं, अच्छे रखे जाते हैं। जनरली लोगों के मन में ये डर रहता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर मैं एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाता हूँ या फिर अपनी एफडी रखता हूँ, तो कल की डेट में वो डूब ना जाए। जैसे पीएमसी बैंक का हुआ, येस बैंक का हुआ, और रिसेंटली अगर जो मैं एग्जाम्पल दूँ तो लक्ष्मी विलास बैंक, ये लेटेस्ट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डीमोटिवेट कर दिया है कस्टमर्स को। अब मैं बात करती हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक की सेफ्टी के बारे में। तो अगर आपके कोई फिक्स डिपॉजिट है या आपका सेविंग्स अकाउंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, तो वो कितना सेफ है या उसमें जो पैसे हैं वो कितने सुरक्षित हैं? यहाँ से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस, आईआरडीए, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस या सरकारी स्कीम से रिलेटेड, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, आपने ऑल सेलेक्ट करना है ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरबीआई इनको रेगुलेट करती है और आरबीआई का इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इंडिया में 10 बैंक है, इन 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है। जो 10 बैंक आपने देखे, ये सारे के सारे इस टाइम DICGC के इंश्योरेंस से इंश्योर्ड है। अगर आपका भी कोई सेविंग्स अकाउंट है या फिर अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो 5 लाख तक की वैल्यू की फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट, या फिर इन दोनों का अमाउंट मिला के मैक्सिमम जो वैल्यू 5 लाख रुपए तक की है, वो आपकी सुरक्षित है, या मैं कहूँ कि वो इंश्योर्ड है। अब ये जो इंश्योरेंस है DICGC क्या होता है, ये इंश्योरेंस का कैसे काम करता है, बैंक अगर बंद होता है तो ये अमाउंट कैसे आपको मिलेगा, इस सब के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देखें।
अब ये इंश्योरेंस कब तक चलता है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब ये भी हो सकता है कि कभी इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से किसी एक बैंक का जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो जाए और जो कस्टमर का पैसा है वो इंश्योर्ड ना रहे, तो उसके लिए भी आप DICGC की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो कि जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो इंश्योरेंस है वो कंटिन्यूड है या नहीं है। ये सारी डिटेल मैं ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुकी हूँ। ये जो 5 लाख का अमाउंट होता है इसमें आपका फिक्स डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट, साथ में आपका कोई सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट, सबको मिला के 5 लाख रुपए का होता है। अगर आपका टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए है किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में और कल बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है तो उस केस में मैक्सिमम जो वैल्यू इंश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए है। अगर आपका सिर्फ 1 लाख रुपए है किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो उस केस में भी आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1 लाख ही आपको मिलेगा, ना कि 5 लाख। तो जितना अमाउंट आपका है या फिर मैक्सिमम 5 लाख। अब मैं बात करती हूँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखने में बिलीव करते हैं तो एक फिक्स डिपॉजिट आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए जो मैक्सिमम अमाउंट है आपके फिक्स डिपॉजिट का सेविंग्स अकाउंट का या दोनों को मिला के वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट फिक्स डिपॉजिट करनी है तो आप चाहें तो 2 या 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अपनी FD रख सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 लाख का अमाउंट है ये पर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट 4 है और 4 डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक में है तो आपका जो इंश्योरेंस है वो भी चारों बैंक में अलग अलग होगा। तो हर बैंक में 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट एक बैंक में आपका सिर्फ 1 लाख रुपए है और आपको 5 लाख मिलेंगे। इसका मतलब ये है अगर 1 लाख इन्वेस्टेड है या 1 लाख रुपए है FD या सेविंग्स अकाउंट में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो 1 लाख मिलेगा, ना कि 5 लाख। और अगर आप 10 लाख हैं उसी बैंक में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो आपको मैक्सिमम अमाउंट सिर्फ 5 लाख का मिलेगा और जो अमाउंट है वो आपका लॉस होगा या फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, अगर आप डेली वेजर हैं, डेली अपना भाड़ा कमाते हैं या कमाई कमाते हैं, आपकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, फिक्स्ड सैलरी नहीं है, तो उस केस में भी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर कभी आपको फ्यूचर में लोन की जरूरत पड़ती है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही अप्रोच करें, वहां से आपको इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जान पहचान के लोगों से, आसपास के साहूकारों से या जिनके पास पैसे ज्यादा हैं उनसे लोन उठा लेते हैं, और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इन ऐसे लोन्स का वो बहुत ही हाई होता है, जैसे कि 1.5% या 2% हर महीने का। तो उस हिसाब से आप एनुअली एक साल का 20% 25% पे करते हैं, जो कि बहुत ही हाई है। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे लोन चाहिए और मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उस केस में भी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, इसकी सेफ्टी के बारे में। आपको वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूले, पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।